यकीनन वही उसके कत्ल के जिम्मेदार होगा जिसके पास उसका फोन होगा। नहीं, पैसों की जरूरत कब पड़ी? तो उसे किसी जगह पर छुपाना होगा, कहीं कहीं जरबाब की नजर ना पड़ सके। किसी ने उसके नंबर से कॉल रिसीव की है, तो ज्वेलरी की रसीद है। वो कहीं फेंक देती हूँ, अगर ये मेरे पास रहेगा तो मैं ऐसी अजियत में रहूँ। जुहेब जरबाब से कहता है कि मैंने नवीन के नंबर पर कॉल की थी, किसी ने नंबर रिसीव किया, जिसके पास उसका फ़ोन होगा वही उसके कत्ल का जिम्मेदार होगा। जुहेब और जरबाब नवीन के कमरे की तलाशी लेते हैं ताकि उसका फ़ोन मिल सके। उनको रसीदें मिलती हैं ज्वेलरी की जो उसने सेल की होती है, और पैसे भी मिलते हैं। जुहेब कहता है कि इतने पैसे नवीन के पास कहाँ से आए। जरबाब कहता है कि नवीन को इतने पैसों की ज़रूरत कब पड़ी। उनका शक यकीन में बदल रहा है कि वाकई में नवीन के साथ कुछ हादसा हुआ है। किरण नवीन का फ़ोन जैसे ही चुपाते हैं, जरबाब अपने रूम में आ जाता है। किरण खौफजदा हो जाती है। जुहेब और जरबाब ये जान पाएंगे कि इसमें किरण का हाथ है? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो